तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और सरकार के मंत्री उदय निधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए बयान पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि स्टालिन की पूरी पीढ़ी मिट जाएगी लेकिन सनातन का बाल भी बाका नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि सनातन को मिटाना तो दूर की बात है, स्टालिन सनातन के एक बच्चे को भी नहीं मिटा पाएंगे। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की कि ऐसे नेता और ऐसे बयान देने वालों को जनता को सबक सिखाना चाहिए। तो लगातार स्टालिन की तरफ से दिए गए सनातन पर बयान पर अब विवाद बढ़ता नजर आता है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी निशाना साधा है। ये तमाम बातें देखिए उनकी ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि सनातन को मिटाना तो दूर की बात है, वो बाल तक बाका नहीं कर सकते हैं। उदय निधि स्टालिन के सनातन वाले बयान पर देखिए लगातार सियासत गरमाई हुई है। राजनेताओं की ओर से जो बयान है वो यहाँ पर सामने आ रहे थे। बीजेपी जो है वो लगातार हमलावर है। इसी बीच में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से भी उदय निधि स्टालिन को निशाने पर लिया गया है। आपको बता दें, स्टालिन ने जिस तरह से कहा था कि धर्म एक तरह से एक बीमारी की तरह है, और उनके इस बयान के बाद से ही लगातार कई हिंदू धर्म गुरु उन्हें घेरते हुए नजर आ रहे हैं। स्टालिन के दिए बयान पर निशाना साधा गया है। एक के बाद एक बीजेपी की तरफ से तो प्रतिक्रियाएं सामने आई ही, इसके अलावा जो हिंदू धर्म गुरु हैं वो नाराजगी जता रहे हैं। स्टालिन का सर कलम करने तक की बात कही गई है, इनाम घोषित किया गया है। बागेश्वर दरबार की तरफ से भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी उन पर निशाना साधा। कुछ लोग तो सनातनी होकर के भी सनातन की जड़ें काटते हैं। आज हम सुबह से न्यूज पढ़ रहे थे, दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कोई स्टालिन हैं, उनकी बुद्धि फिर गई, उनको अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे उनका दिमाग खराब हो गया हो, पागलखाने की जरूरत है। वो कह रहे हैं सनातन को मिटा देना चाहिए, सनातन को खत्म कर देना चाहिए, जैसे उनके बाप की बापौती हो गए। हैं? अरे भाई साहब, सनातन तब तक रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। तुम तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा परदादा चले गए, तुम भी चले जाओगे। सनातन तो मिटाना दूर की बात है, सनातन के एक बच्चे को तुम मिटा नहीं पाओगे। और हमारी प्रार्थना है, इस प्रकार के जो बयान देते हैं, जो सनातन के खिलाफ देते हैं, ये राम का राज्य है, हमारी भारत के लोगों से प्रार्थना है ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ताकि वो भारत से ठटरी और गठरी दोनों बंधवा ले। कुछ लोग तो सनातनी होकर के भी सनातन की जड़ें काटते हैं। आज हम सुबह से न्यूज पढ़ रहे थे, दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कोई स्टालिन हैं, उनकी बुद्धि फिर गई, उनको अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे उनका दिमाग खराब हो गया हो, पागलखाने की जरूरत है। वो कह रहे हैं सनातन को मिटा देना चाहिए, सनातन को खत्म कर देना चाहिए, जैसे उनके बाप की बापौती हो गए। हैं? अरे भाई साहब, सनातन तब तक रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। तुम तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा परदादा चले गए, तुम भी चले जाओगे। सनातन तो मिटाना दूर की बात है, सनातन के एक बच्चे को तुम मिटा नहीं पाओगे। और हमारी प्रार्थना है, इस प्रकार के जो बयान देते हैं, जो सनातन के खिलाफ देते हैं, ये राम का राज्य है, हमारी भारत के लोगों से प्रार्थना है ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ताकि वो भारत से ठटरी और गठरी दोनों बंधवा ले।